हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल मेरे पहाड़ यूके तेरे की नई शानदार वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। और पिछले दिनों से, काफ़ी दिनों से आप मेरी लगातार वीडियो देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि मैं माँ चंडिका देवरा यात्रा में था। तो जो कल का माँ चंडिका का रात्रि विश्राम हुआ था वो हुआ था करछुना गाँव में, और आज का रात्रि विश्राम कहाँ पर होता है ये तो आगे ही आपको देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग में बने रही, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दे, एंड चैनल पर जो लोग पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ से आपको कुछ नज़ारे दिखाते हैं, और जो आज के दिन की शुरुआत हो रही है वो इन खूबसूरत पहाड़ों से हो रही है। पहाड़ों में प्यारी सी धूप खिली हुई और सामने ही पहाड़ हैं। भले ही हर रोज़ पहाड़ देखने को मिलते हैं क्योंकि मैं तो पहाड़ों में ही रहता हूँ, पर आज तो बिल्कुल सामने पर ही पहाड़ दिख रहे हैं।
ना बाटू बताणू ना समले के जानू ना वेयू अपाणू बिराणू चा ना बाटू बताणू ना समले के जानू ना वेयू अपाणू बिराणू चा। और कड़छुना में पूरा घूमने के बाद और सभी भक्तों को दर्शन करने के बाद अब माँ चंडिका जा रही है सुगी गांव में। तो देखते हैं आज का रात्रि विश्राम शायद वहीं पे होगा। रात्रि विश्राम कहाँ पे होता है तो सुगी गांव के सारे भक्त यहाँ पे लेने हुए आए माता को। तो चलो दिखाते हैं आपको। इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और आज माँ चंडिका का रात्रि विश्राम है सुगी गांव में। तो कड़छुना से लगभग 8 से 9 किलोमीटर हम चले हैं सुगी गांव आने तक के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दे एंड चैनल पर जो लोग पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे भी मेरे इस चैनल पर आपको माँ चंडिका देवरा यात्रा की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।